हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5 की। इससे पहले हमने न्यूमरोलॉजी नंबर 1, न्यूमरोलॉजी नंबर 2, न्यूमरोलॉजी नंबर 3 और न्यूमरोलॉजी नंबर 4 के बारे में जाना था। हमने देखा था कि जब नंबर्स डबल हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं, सिंगल होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं, डेस्टिनी में होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं, और बेसिक में होते हैं तो क्या इम्पैक्ट देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको ये ग्रिड पता होनी चाहिए कि इस ग्रिड में नंबर्स कैसे फिक्स करते हैं, 319, 675 और 284। अगर आपको नहीं पता कि इस नंबर क्या कहते हैं, इसमें ग्रिड क्या, इस ग्रिड में नंबर्स कैसे फिक्स किए जाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, तो आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली, बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस ग्रिड में नंबर्स को कैसे भरा जाता है। साथ ही आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो कि मैं अपने अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि एक नंबर से कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि आने वाला है। अगर इवन आपकी डेस्टिनी हो जाती है तो ठीक है, प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, लेकिन बाकी नंबर्स भी हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सारे नंबर्स, क्योंकि सारे ही नंबर कभी ना कभी महादशा अंतर्दशा में आ जाएंगे, तो उस टाइम पे वो अच्छा या बुरा अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और वो डबल हो रहे हैं या सिंगल हो रहे हैं उस तरीके के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो आज बात करते हैं नंबर 5 का। नंबर 5 इज रिलेटेड टू मरकरी, और ये होता है नंबर ऑफ मनी, ये पैसे का नंबर होता है। जैसे कि ना 4 हमने देखा था कि नंबर ऑफ एक्सपेंस होता है, तो 5 नंबर ऑफ मनी होता है, 1 नंबर ऑफ मैनेजमेंट होता है, 2 क्रिएटिविटी का है, 3 नॉलेज का है। इसी तरीके से हर नंबर को किसी ना किसी से जाना जाता है, तो स्पेशली जो जिस चीज के लिए इसको जाना जाता है वो होता है मनी। अगर मान लीजिए आपकी ग्रिड में सिंगल 5 है, तो ऐसे लोग काफी कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़े से इमोशन कम होते हैं इनके अंदर। ये इमोशन का नंबर नहीं है, ये पैसे का नंबर है। बिजनेस सेंस कमाल की होती है, बिजनेस सेंस कमाल की होती है इनके अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अगर मैं ऐसे कहूँ तो अपना हिसाब क्लियर करना पसंद करते हैं। सिंगल 5 की बात कर रहे हैं, हिसाब क्लियर करना पसंद रखते हैं। कोल्ड नेचर होते हैं, दे विल सी प्रॉफिट इन एवरी सिचुएशन, ये हर सिचुएशन में प्रॉफिट देखेंगे। ये फ्यूचरिस्टिक भी होते हैं, इनको पता होता है कि चलो आगे चल के क्या होगा। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको, ऐसे नहीं, इन लोगों को काफी हद तक पता होता है कि इस इंसान के साथ अगर मैं आज इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेंगे इन फ्यूचर, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, राइट। अब जब तक ये सिंगल है तब तो ठीक है, अभी जब डबल हो जाए, मान लीजिए आपके चार्ट में ही बाय बर्थ डबल 5 आ गया, या जब भी ये डबल 5 होगा, मान लीजिए सिंगल 5 है और 5 साल के लिए महादशा आ गई 5 की, तो या फिर 1 साल के लिए अंतरदशा आ गई 5 की, तो उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि ये चीजें एक्टिवेट हो जाएं, या अगर बाय बर्थ है तो फिर ये चीजें रहेंगी। अब ये नंबर है फ्रॉड का, अब ये नहीं कह सकते कि ये लोग फ्रॉड करेंगे या इनके साथ होगा, वो एक अलग बात है, वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो शायद कभी बना लूँ, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बेसिकली उसमें मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये फ्रॉड का है, इधर फ्रॉड विल हैपन टू देम, या फिर ये फ्रॉड करेंगे, राइट। ये एंग्जाइटी का नंबर है, ये लोग थोड़े से एब्यूजिव भी हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि कोल्ड नेचर यहाँ से बढ़ जाता है ना, कोल्ड नेचर यहाँ से बढ़ जाता है तो थोड़ा सा एब्यूजिव भी होते हैं। 555 में ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, इसमें साथ साथ 555 में एंग्जाइटी भी रहती है। जैसे 555 हो जाएगा ये एंग्जाइटी, सॉरी लिख ही दिया था, राइट, सॉरी। अभी 555 में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्रॉड होने के चांसेस या करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एब्यूजिव ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। साथ ही ये लोग ना रूटीन फॉलोअर भी होते हैं, रूटीन फॉलोअर आप देखेंगे कि रूटीन फॉलोअर भी होते हैं। ये नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। यही नंबर साथ में मिस मैनेजमेंट का नंबर है 555। अब ये ऐसा नहीं है कि हर 555 वाला मिसमैनेज करेगा, ऐसा भी होता है, ये कि एक कंडीशन बता रहा हूँ 555 के साथ कि मिसमैनेजमेंट वाली कंडीशन होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ही जबरदस्त मैनेज करते हैं। अब वो कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ सेपरेट कॉम्बिनेशन है, जब वो बन जाए तब ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये है, इट वॉज ऑल अबाउट नंबर 5। प्लीज बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।